हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। साथ ही साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर उसकी लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँगा, उससे जुड़ा एक थ्योरम बताऊँगा, फिर जो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, और फंक्शन ऑफ क्लास ए क्या होता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसका संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान मिल पाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, आखिर ये इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख कर दिया है, देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू एन एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, जो प्रॉब्लम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसको वो कन्वर्ट किस में करता है, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स में। इट इज़ अ मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये जो मेथड, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में होता है। तो इस वजह से लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ी और इस वजह से इसका यूज़ होता है, ये तो हम जान गए। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। लेट के पी टी बी अ फंक्शन, ठीक है, ये जो के पी टी है ना, इसे हम कर्नल बोलते हैं, अभी आपको पता भी चल जाएगा। लेट के पी टी बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ऑब्वियसली टू वेरिएबल पी और टी, पी एंड टी, वेयर पी इज अ पैरामीटर, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। जो पैरामीटर है वो या तो रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ टी, वो जो पैरामीटर होता है पी, वो इंडिपेंडेंट होता है टी से। द फंक्शन एफ पी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल अज्यूमिंग टू बी कन्वर्जेंट, हमें उस फंक्शन को कन्वर्जेंट अज्यूमिंग करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन होता है एफ पी, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के पी टी एफ टी डी टी, ये होता है आपका एफ पी। द ये आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हुआ, और यहाँ पर जो के पी टी है ना, इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, द फंक्शन के पी टी इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि के पी टी को आप क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। और ये जो पूरी फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के पी टी एफ टी डी टी, इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। चलिए, ये तो बात रही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, अब हम बात करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या होता है। अगर हमारे पास जो कर्नल है ना, इफ़ द फंक्शन के पी टी, जो कि जिसे हम कर्नल बोलते हैं, इज डिफाइंड एज, किस प्रकार से परिभाषित की जाए कि के पी टी का मान ज़ीरो हो, कब ज़ीरो होगा, जब टी की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी, यानी कि नेगेटिव का होगा, और ई माइनस पी टी तभी होगा जब उसकी वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी, तब आपका फंक्शन पी क्या हो जाता है, जीरो से इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी डी एफ टी डी टी, ठीक है। तब आपका फंक्शन बन जाता है एफ पी इज़ टू जीरो टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो ये जो फंक्शन है, इसे हम बोलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म। द फंक्शन एफ पी डिफाइंड बाई द इंटीग्रल फर्स्ट, इसे हमने फर्स्ट माना है, इज कॉल्ड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एल, एल फॉर लैपलेस, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एफ टी, या फिर एफ के ऊपर बार पी से हम इसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह होगी, जो आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है ना ऑफ एफ टी, इट्स सेट टू बी एग्जिस्ट इफ द इंटीग्रल, जो पहला इंटीग्रल, ये जो है ना इंटीग्रल फर्स्ट, वो अगर कन्वर्जेंस होगा, एग्जिस्ट तभी होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस कहेंगे, फॉर सम वैल्यू ऑफ पी, अदरवाइज इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा किसी वैल्यू पी के लिए तो वो कन्वर्जेंस होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो
तो नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर आप नहीं जानते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो भी लीनियर एल्जेब्रा से रिलेटेड है, लेकिन हल्का फुल्का उसी से रिलेटेड गुण होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, तभी यहाँ पर बोला गया है लीनियर डी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है वो, अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी, और ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेट टू बी लीनियर इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ फंक्शन एफ टी एंड एफ टू डी। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, सपोज कीजिए पहला फंक्शन है एफ वन और दूसरा है आपके पास एफ टू, और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो उसे आप तभी लीनियर बोल पाएंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को तभी आप लीनियर बोल पाएंगे। एंड फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्स्टेंट ए वन एंड ए टू, इस पेयर के लिए ए वन एंड इस पेयर के लिए ए टू, जब हमें ये रूल दे देगा कौन सा, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टी अंदर है ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी। एक्चुअली वो पता है कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, ए अल्फा प्लस बी बीटा वाला रूल लग रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, ए बाहर टी अल्फा, बी बाहर टी बीटा। यहाँ अल्फा के प्लेस पर एफ वन टी है और बीटा के प्लेस पर एफ टू टी है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब होता है कि ए वन बाहर आ जाएगा टी एफ वन टी आ जाएगा, प्लस ए टू बाहर आ जाएगा टी एफ टू टी आ जाएगा। तो ये तो थी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। इसको प्रूफ करने के लिए थ्योरम भी बनी है, तो उस थ्योरम को भी चलिए देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है, द लैप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोल रहे हैं कि जो आपका लैप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो अभी हमने ऊपर लिखा ना, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। यहाँ टी लिखा था, इन्होंने यहाँ एल लिख दिया है, एल ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी इज इक्वल टू ए वन एल एफ वन टी प्लस ए टू एल एफ टू टी, वेयर जो यहाँ पर ए वन और ए टू हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। अब हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो चलिए बात करते हैं प्रूफ की। तो देखिए हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अभी हमने सीखा था एल एफ टी, जिसे हम दर्शाते हैं ना एल एफ टी से दर्शाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। तो वो क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ओके, ये चीज़ हमारे पास होती है, लेकिन अभी हमारा जो प्रीवियस लेफ्ट साइड था, देखिए एल और एफ टी के प्लेस पे क्या था, देखिए ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी, यही था ना लेफ्ट साइड में। देखिए ये देखिए एल था और ये लेफ्ट साइड में, ये एफ टी के स्थान पर ये पूरी चीज़। तो अब हमने वही रख दिया है ए वन एफ वन टी, और यही चीज़ मैंने एफ टी के प्लेस पे ये रख दिया फिर से, देखिए राइट साइड में भी ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे लेफ्ट राइट की ओर से। तो देखिए यहाँ से ए वन कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जीरो से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ वन टी डी टी। ओके, देन प्लस ए टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टी और इधर आ जाएगा एफ टू डी टी। तो ये किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है ना। तो देखिए ए वन बाहर, ये किसके इक्वल है, एफ वन टी, यानी कि ये है आपका एल एफ वन टी प्लस ए टू बाहर, ये क्या है लास्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, एफ टू टू एफ टू फंक्शन के रिगार्डिंग, यानी कि प्लस ए टू एल एफ टू टी। तो हम लेके चले थे क्या लेफ्ट में, एल ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी, और हम कहाँ पहुँच गए, ए वन एल एल एफ वन टी प्लस ए टू एल एफ टू टी। इससे क्या पता चलता है कि जो प्रत्येक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होता है। तो ये भी बात हमने सीख ली। अब हम बात करेंगे पीस वाइज या फिर सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, जैसे आप या तो लिखा आएगा आपका पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ टी है, और फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी पीस वाइज कंटिन्यूस, कोई भी फंक्शन पीस वाइज या फिर सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन तभी कहलाएगा ऑन अ क्लोज इंटरवल, इंटरवल आपका क्लोज होना चाहिए, इफ इट इज डिफाइंड ऑन दैट इंटरवल एंड इज सच दैट द इंटरवल कैन बी सब डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स इन ईच ऑफ विच एफ टी इज कंटिन्यूस। अगर आपके पास कोई जो इंटरवल, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपके पास कोई फंक्शन एफ टी है तो वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन तभी होगा जब वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर
उस एवी को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, और जो फाइनाइट नंबर ऑफ जो सब इंटरवल बनेंगे ना, वो प्रत्येक सब इंटरवल, वो फंक्शन जो ये एफ टी है वो क्या होगा, अगर सभी फाइनाइट इंटरवल्स पे सब इंटरवल जो बने हैं उन पर अगर वो कंटिन्यूस हो जाता है, तभी उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन या फिर सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। तो ये तो बात रही पीस वाइज या फिर सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन की। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, वो क्या होता है। तो देखिए वो क्या होता है, अ फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। किसी फंक्शन एफ टी को हम एक्सपोनेंशियल तभी बोल पाएंगे ऑर्डर अल्फा का, जब टी का मान इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल कांस्टेंट एम, अगर उसके अंदर एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट बिलोंग करता है, अ नंबर अल्फा एंड अ फाइनाइट नंबर टू सच दैट, तो क्या हो जाएगा, एफ टी का जो मॉड होता है वो लेस देन एम ई अल्फा टी होता है। ठीक है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम एग्जिस्टेंस वाला एक थ्योरम करेंगे, उसमें इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, एफ टी का जो मॉड होता है वो लेस देन होता है इस कॉन्स्टेंट के रिगार्डिंग, एम के रिगार्डिंग क्या हो जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है एफ टी के जो मॉड का जो वैल्यू होता है वो एम ई अल्फा टी से छोटा होता है, या फिर मॉड के अंदर ई माइनस अल्फा टी एफ टी वो भी छोटा होता है उस कॉन्स्टेंट एम से। फॉर एवरी टी की जो वैल्यू होती है टी जीरो से इक्वल या फिर टी जीरो से बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, डिस्कस कर रहे हैं अ फंक्शन ऑफ क्लास ए। अ फंक्शन ऑफ क्लास ए क्या होता है, अ फंक्शन विच इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस हो रही है प्रत्येक फाइनाइट इंटरवल में, इन द रेंज जो आपकी होगी वो जीरो से या जीरो से बड़ी होगी, कि जो टी की जो रेंज होती है ना वो अगर जीरो या जीरो से बड़ी हो जाए एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, अगर वो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी हो, किसके अनुरूप, जब टी का मान इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इज नोन एज फंक्शन ऑफ क्लास ए, तब हम उस फंक्शन को फंक्शन ऑफ क्लास ए बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने तो बस टॉपिक के बारे में डिस्कस करके समझाया बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स, कई टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कैसे जनरेट करके बता दें, वो सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और मुझे आपका सपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।